क्या एक मामूली बाइक की टक्कर किसी की जान पर बन सकती है? कैसे कोई भी व्यक्ति इतना आवेश में आ सकता है कि उसको किसी के जीवन की रत्ती भर परवाह नहीं हो? इतना गुस्सा, जिल्लाहट कहां से आ गई है युवाओं में? आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए और पहले समझे कि ये टक्कर कितनी छोटी थी और किस तरह से मारपीट शुरू हुई और फिर युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से रामगंज और सुभाष चौक में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरा यातायात और आने जाने पर प्रवेश बंद कर दिया गया है। तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए गए हैं। आप ही देखें पूरी स्थिति पर डीआईजी राहुल प्रकाश ने क्या कहा। कहते हैं कि जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसका समाधान निकालने की राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है, ईमानदार कोशिश कर रही है। सबका जो विश्वास है उसके आधार पर इसका बहुत जल्दी निस्तारण होगा। आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है? कुछ आरोपियों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। उसके आधार पर जो भी मुलजिम होंगे समुदाय विशेष के लोगों द्वारा क्या मांग की जा रही है, पुलिस इस पर क्या एक्शन ले रही है? मांग को लेकर भी बहुत यहाँ मौके पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, उनकी तरफ से बात की जा रही है। जो भी जायज मांग है, न्यायसंगत मांग है, उसका समाधान किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।